दोस्तों, काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद से अफगानिस्तान में नई सरकार का गठन हो गया है। तालिबान सरकार का मॉडल काफी हद तक ईरान की तरह ही है। ईरान में सर्वोच्च नेता देश का सर्वोच्च राजनीतिक और धार्मिक प्राधिकारी है। उसका दर्जा राष्ट्रपति से ऊंचा होता है और वह सेना, सरकार और न्यायपालिका के प्रमुखों की नियुक्ति करता है। उसी पैटर्न पर तालिबानी सरकार बन रही है, लेकिन तालिबान के लिए इस वक्त भी पंजशीर कांटे की तरह चुभ रहा है, जिस पर जीत का दावा तालिबान कर चुका है। लेकिन जैसे ही ये दावा सामने आया, उसके कुछ ही देर में पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने तालिबान के दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि उनके देश छोड़ने की खबरें झूठी हैं। सालेह ने आरोप लगाया है कि तालिबान युद्ध अपराध कर रहा है और मानवाधिकारों का पूरी तरह से उल्लंघन कर रहा है। वो पंजशीर में दवाएं और अन्य जरूरी सामग्री आने से रोक रहा है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से तालिबान के बर्बर कृत्यों पर विचार करने का आह्वान किया। तो वहीं इसी बीच पंजशीर की रेजिस्टेंस फोर्स ने तालिबान के 450 से ज्यादा लड़ाकों को मारने और 290 पकड़ने का दावा किया है। बड़ी बात तो ये रही कि बदखशा प्रांत के 170 तालिबानी रेजिस्टेंस फोर्स में ही शामिल हो गए। इसी बीच तालिबान से लोहा ले रहा पंजशीर का शेर अहमद मसूद भी ट्विटर पर सामने आया और कहा कि तालिबान के आगे सरेंडर का तो सवाल ही नहीं उठता है। वो आखिरी सांस तक तालिबान की कमर तोड़ते रहेंगे। अहमद मसूद ने हुंकार भरते हुए कहा कि जिस दिन तालिबान पंजशीर को जीत लेगा, उस दिन घाटी में मेरा आखिरी दिन होगा। पंजशीर में तालिबानी कब्जे की मीडिया रिपोर्ट को नॉर्दर्न अलायंस के मुखिया अहमद मसूद ने सिरे से खारिज किया और कहा कि यह पाकिस्तान और वहां की मीडिया की साजिश है। रेजिस्टेंस फोर्स के मुखिया ने कहा कि तालिबान से उनकी जंग जारी रहेगी। वहीं पंजशीर को लेकर एक्सपर्ट कह रहे हैं कि यह तालिबान के लिए नाक की लड़ाई बन गई है, लिहाजा अब इसमें पाकिस्तान भी अपने अलकायदा वाले आतंकियों के साथ कूद पड़ा है। अल अरबिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक पंजशीर आंदोलन के नेता अहमद मसूद की सेना के हवाले से दावा किया है कि पंजशीर घाटी पर हमले में अलकायदा भी तालिबान के साथ खड़ा है। तो वहीं पंजशीर पर हमले के दौरान तालिबान के साथ पाक सैनिकों की मौजूदगी का सबूत भी मिला है। रिपोर्ट के मुताबिक नॉर्दर्न अलायंस ने हमले में मारे गए एक पाक सैनिक के आइडेंटिटी कार्ड की तस्वीर जारी की है, जिससे यह साफ होता है कि पाक सेना इसमें शामिल थी। इस कार्ड पर पाक नागरिक मोहम्मद वसीम का नाम लिखा है। पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने सीधे तौर पर कहा है कि पाकिस्तान अलकायदा समेत कई दूसरे आतंकी गुटों के साथ पंजशीर में लड़ने आया है। इससे पहले अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी ने भी आरोप लगाया था कि पाकिस्तान ने तालिबान के साथ अपने 10,000 से 15,000 लोगों को काबुल और अफगानिस्तान पर कब्जा करने के लिए भेजा था। अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बनने से पाकिस्तान अपना मकसद पूरा करना चाहता है। वह अपनी जमीन से आतंकी कैंप अफगानिस्तान भेजना चाहता है, ताकि खुद अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के चाबुक से बच सके। उसके ऊपर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की तलवार लटक रही है, जिसके कारण उसे भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। वहीं अलकायदा ने भी तालिबान को अफगानिस्तान की जीत पर बधाई दी थी, साथ ही साथ कश्मीर की आजादी की बात भी कही थी, जो भारत के लिए चिंताजनक साबित हो सकता है। भारत के लिए बड़ी बात इसलिए भी है क्योंकि अफगानिस्तान में सरकार बनाने के लिए आईएसआई चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फैज हामिद काबुल पहुंचा है। फैज तालिबान शूरा के बुलावे पर काबुल पहुंचने वाला बड़ा सैन्य अधिकारी है। इसमें पाकिस्तान भी हस्तक्षेप कर रहा है, क्योंकि तालिबान और पाकिस्तान की दोस्ती बहुत पुरानी है। इसका दूसरा कारण हक्कानी नेटवर्क और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के बीच घनिष्ठता है। अब माना जा रहा है कि इस मुलाकात में दोनों पक्षों के बीच पाक तालिबान सुरक्षा आर्थिक व्यापार संबंधों के तत्काल भविष्य पर चर्चा हो सकती है। दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान आर्मी सुरक्षा के क्षेत्र में तालिबान नेतृत्व वाले अफगानिस्तान की मदद करेगी और उन्हें ट्रेनिंग देगी।
पाकिस्तान मौके का फायदा उठाना चाहता है, वह अफगानिस्तान में एक कट्टरपंथी सरकार का इस्तेमाल भारत के खिलाफ करना चाहता है, अफगानिस्तान में शरिया कानून के आधार पर इस्लामिक सरकार बनाने का ऐलान करने वाले तालिबान ने कश्मीर पर भी बयानबाजी तेज कर दी है। दुनिया के सामने तालिबान का बदला चेहरा पेश करने की कोशिश करते आ रहे प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने इसे मुस्लिम होने के नाते अपना हक बताया है। शाहीन ने कहा कि हम आवाज उठाएंगे और कहेंगे कि मुसलमान आपके लोग हैं, अपने देश के नागरिक हैं, आपके कानून के मुताबिक वे समान हैं। शाहीन ने कहा कि उनके समूह का इरादा किसी भी देश के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष करने का नहीं है। मुसलमान होने के कारण भारत के कश्मीर में या किसी भी दूसरे देश में मुस्लिमों के पक्ष में आवाज उठाने का अधिकार उनके पास है। उनके इस बयान के बाद सवाल उठने लगे हैं कि आखिर यह कट्टर इस्लामिक संगठन अब तक उइगर मुस्लिमों के हालात पर चुप क्यों है।